Hello, CLAT aspirants. I am Barkha, your faculty and mentor at iConta, and we have been doing a legal passage series. And today is the sixth day, and we are doing with the sixth passage of our legal passage series. And we will continue it till 25 days. And the topic that I have chosen today for the legal passage is adultery, which has been declared unconstitutional. But sometimes they do ask questions from such topics which have already been declared unconstitutional, right? So, let's just move forward with the passage and see what passage holds for us, and let's see how we are going to proceed with the questions, right? So, again, first they are starting with the example, and then they are giving us the rules.

हजबेंड ओ ओनली अस्बेंड कैन फाइल द केस ऑफ एडल्ट्री सिर्फ एक हस्बैंड एडल्ट्री का केस फाइल कर सकता है अगेंस्ट अनदर मैन कौन फाइल कर सकता है एक मैन जो कि एक हजबेंड है और किसके अगेंस्ट फाइल कर सकता है अगेंस्ट अनदर मैन यानी कि जिसके साथ उसकी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है तो हमारे केस में हस्बैंड कौन हुआ राजू और ये मैन कौन हुआ सौरभ राइट विद हुम हिज वाइफ हैज सेक्सुअल रिलेशनशिप एंड द वाइफ कैन नॉट फाइल द सेम इन केस हर हस्बैंड हैज एनी सेक्सुअल रिलेशन विद अनदर वुमेन तो वो क्या बोल रहे हैं दिस इज जेंडर ओरिएंटेड पैसेज

सौरभ के ऊपर केस फाइल करना चाहता है जस्ट बिकॉज उसकी वाइफ रीटा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उस सौरभ के साथ तो वो फाइल कर सकता है लेकिन अगर राजू का भी किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप हो किसी सपोजिडली ए नेम्ड वुमेन के साथ उसका भी सेक्सुअल रिलेशनशिप हो तो रीटा इसके अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकती दैट इज वॉट दे आर सिंग आगे बोल रहे हैं सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी रेड्स ज सेक्शुअल इंटरकोर्स विदर्सन इज एंड ही नोज औरज रीजन टू बिलीव टू बी द वाइफ ऑफ अदर मैन विदाउट द कंसेंट और कन्विंस ऑफ दैन सच सेक्शुअल इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग टू दफेंस ऑफ रेप इज गिली ऑफ दस ऑफ एडल्ट्री क्या बोल रहे हैं हु एवर हैज सेक्शुअल इंटरकोर्स कोई भी अगर एक सेक्शुअल इंटरकोर्स करता है विद अ पर्सन हु ही और हैज़ रीजन टू बिलीव टू बी द वाइफ़ ऑफ अनदर मैन अगर उस हस्बैंड अगर उस मैन को पता है कि उस पर्टिकुलर का शादी हो चुकी है या फिर वो किसी की है, उसके, उस हजबेंट के बिना मैन के कंसेंट के, के बिना उसके साथ सेक्शुअल इंटरकोर्स करता है लेकिन वो रेप नहीं है द एक्सेप्शन इज कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप नहीं है तो वो किसके लिए गिल्टी होगा फॉर द ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री द पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ एडल्ट्री शैल बी पनिश्ड विद्रिजमेंट ऑफ आई दर डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू फाइव इंस तो वो यहां पर बोल रहे हैं कि अगर कोई भी एडल्ट्री के लिए चार्ज होता है तो उसको फाइव इयर्स तक की पनिशमेंट हो सकती है मूविंग फर्दर विद द पैसेज पैसेज बोल रहा है द मैरिज लॉज एक्ट स्टेट इवन अ सिंगल एक्ट ऑफ वॉलेंट्री सेक्शुअल एक्ट वो कह रहे हैं कि अगर पूरी मैरिज में अगर एक बार भी जो वाइफ है उसने किसी और मैन के साथ और यहां पे मैन कौन है एक्सेप्ट द हजबेंड ठीक है अगर उस वाइफ ने किसी और मैन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया चाहे वो सिर्फ एक बार किया है ओनली वन टाइम आइदर पार्टी टू द मैरिज विद एनी पर्सन अदर देन हिज और हिर स्पाउस कंस्टिट्यूट अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स ये किसका ग्राउंड बनता है ये डाइवोर्स का ग्राउंड बनता है फॉर द अदर स्पाउस जो अदर स्पाउस है वो क्या कर सकता है डाइवोर्स ले सकता है अब क्या बोल रहे हैं मैरिज रजिस्ट्रेशन इन इंडिया मैरिज रजिस्ट्रेशन गिव्स लीगल वैलिडिटी टू द मैरिज ऑफ टू पर्सन इंडिया में जो मैरिज रजिस्टर होती है वो दो लोगों की मैरिज को वैलिड डिक्लेयर करती है अ मैरिज सर्टिफिकेट ऑल्सो एक्ट एज लीगल प्रूफ ऑफ मैरिज जो मैरिज का सर्टिफिकेट मिलता है रजिस्ट्रेशन के बाद वो एक लीगल प्रूफ होता है मैरिज का इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन द स्पाउस इन द फ्यूचर कि अगर आगे जाके कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में तो वो उसका प्रूफ होता है मैरिज सर्टिफिकेट कि हाँ इन दोनों के बीच में एक शादी हुई थी ठीक है द मैरिज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन इंडिया एंड द टाइम टेकन फॉर मैरिज इज डिफरेंट इन एवरी स्टेट ठीक है रजिस्ट्रेशन करने के लिए जितना भी टाइम जरूरत होता है वो हर स्टेट पर वेरी करता है कि कुछ स्टेट्स में ये प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है कुछ स्टेट्स में ये प्रोसेस थोड़ा टाइम टेकिंग होता है हाउ एवर सर्टन स्टेप्स एंड रिक्वायरमेंट्स इन रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स इंड मैरिज रजिस्ट्रेशन इंडिया हैव बीन टेकन वो क्या बोल रहे हैं कि इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए हैं द स्पाउस हैव टू विजिट द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज इन ऑर्डर टू सबमिट ड्यूली फिल्ड मैरिज रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फिल्ड विद विद द हेल्प ऑफ अ फैमिली लॉयर विद्प अटैचमेंट्स डॉक्यूमेंट्स एंड रजिस्ट्रेशन फीस वो क्या बोल रहे हैं जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं उनको रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाना पड़ता है एक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए जो वो किसी भी लॉयर से भरवा सकते हैं और उसके साथ साथ उनको क्या चाहिए होती है उनके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और उनको उनकी एक प्रिस्क्राइब रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट करनी पड़ती है अपने मैरिज को रजिस्टर करवाने के लिए राइट दिस वाज पैसेज ठीक है अब नाउ वॉज यूर गोन फॉलो अप गिवन आफ्टर एवरी क्वेश्चन आई गिव गिव्यू फाइव उन फाइव सेकंड्स में यू हैव टू थिंक कि उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है एंड देन वी आर गो न आंसर राइट द फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट रेमेडी अवेलेबल टू राजू इन द प्रेन्ट सर्कमस्टू को क्या रेमेडी मिलेगी वो क्या कर सकता है एज शी हैड बीन हैविंग सेक्शुअल इंटरकोर्स विद द नॉलेज ऑफ राजू विदाउट द नॉलेज ऑफ राजू वो क्या बोल रहे हैं वो रीटा को फोर नाइंटी सेवन के अंडर चार्ज करवा सकता है राइट सेकंड राजू कैन नॉट फाइल डायवॉर्स एज हिज मैरिज इज नॉट रजिस्टर्ड वो क्या बोल रहे हैं कि राजू डायवोर्स के लिए फाइल नहीं कर सकता क्योंकि उसकी जो शादी है वो रजिस्टर नहीं हुई है ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया क्योंकि हमें क्वेश्चन में बताया ही नहीं है कि उनकी शादी रजिस्टर्ड है या नहीं है राइट थर्ड ही कैन फाइल फॉर डायवोर्स एज पर द मैरिज लॉज एक्ट कि वो डायवॉर्स के लिए फाइल कर सकता है मैरिज लॉज एक्ट में थर्ड फोर्थ नो रेमेडी इज अवेलेबल टू राजू अंडर द पीनल कोड वो कह रहे हैं कि कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है नाउ यू हैव फाइव सेकेंड्स एंड देन वी आर गो न डिस्कस द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सो लुकिंग एट द सोल्यूशन ऑप्शन सी इज करेक्ट की ऑप्शन मैरिज लॉज एक्ट स्टेट इवन एक्ट ऑफ वॉलंट्रीक्शु पार्टी टू एनी पर्सन अदर ग्राउंड फॉर ऑल्सो एज पर सेक्शन फोर नाइनटी सेवन राजू कैन चार्ज सॉर ऑफ ऑफ एडल्ट्री बट नॉट रीटा ठीक है यहाँ पे ए आंसर क्यों नहीं हुआ हमारा ए आंसर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो रीटा को चार्ज नहीं कर सकता फोर नाइन सेवन वो चार्ज किसको कर सकता है वो चार्ज कर सकता है सौरभ को जिसके साथ रीटा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था ठीक है तो इसीलिए वो उसकी रेमिडी सिर्फ इतनी है कि वो डायवोर्स फाइल कर सकता है किसके अगेंस्ट रीटा के अगेंस्ट अंडरस्टूड मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन In above question suppose Raju decides to take legal action against Saurav instead of accusing Rita. अब क्या बोल रहे हैं कि पिछले क्वेश्चन में अगर वो रीटा को एक्यूज करने सौरव के बजाय सौरभ के अगेंस्ट कोई एक्शन लेना चाहे तो सौरभ क्या डिफेंस ले सकता है अपने अगेंस्ट ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस मे बी टेकन बाय सौरभ सौरभ टू प्रूव इनोसेंस कि सौरव अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए अपने आप को सही प्रूव करने के लिए क्या डिफेंस ले सकता है दीज आर द दर्स्ट ऑप्शन दैट द रिलेशनशिप बिटवीन सौरभ एंड रीटा हैड म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ईच अदर वो ये डिफेंस ले सकता है कि सौरभ और रीटा के बीच में जो भी रिलेशनशिप था वो उन दोनों की कंसेंट से था। ऑप्शन द सौरभ और रीटा का जो रिलेशन था वो हाई स्कूल टाइम से था तो उनकी मर्जी वो उसको कंटिन्यू कैसे करें अगेन दिस ऑप्शन गेट्स एलिमिनेटेड क्या क्वेश्चन में हमें बताया है कि हाई स्कूल से रिलेशनशिप था नो no. सो so,

अगर उस मैन को यह नहीं पता कि शी इज ऑलरेडी मैरिड कि अगर वाइफ ने उसको ऐसा प्रोजेक्ट किया हो दैट शी इज सिंगल तो हस्बैंड अगर इस मैन पे केस करता है तो ये मैन इस चीज का डिफेंस ले सकता है कि आई डेंट नो दैट दिस गर्ल और दिस वन वॉज मैरिड राइट एंड दैट इज वाई आर ऑप्शन डी इज करेक्ट मूविंग फॉर्दर टू थर्ड क्वेश्चन

He was having it with a unmarried women ठीक है और वो ये भी बोल रहे हैं कि considering ऑल द above इंसिडेंट्स टू रिमेन इंटीग्रल यानी कि जो सारे फैक्ट्स है वो तो सेम ही रहेंगे यानी कि रीटा also हैज अ sexual intercourse रिलेशनशिप विद सौरव वो तो कांस्टेंट ही रहेगा आप बोल रहे हैं कि ये तो चीज कांस्टेंट है बट रीटा को पता चलता है कि राजू का भी सेक्सुअल इंटरकोर्स रिलेशनशिप चल रहा है एक अनमैरिड वुमेन के साथ तो क्या रीटा इस अनमैरिड वुमेन को स्यू कर सकती है सॉरी यस सॉरी दे आर आस्किंग क्या रीटा अपने हस्बैंड को स्यू कर सकती है फॉर एडल्ट्री ये पूछ रहे हैं वो आपसे कि क्या रीटा राजू को स्यू कर सकती है फॉर एडल्ट्री द फोर since आर husband is having इज हैविंग एन अफेयर unmarried woman, which amounts टू एडल्ट्री वो कह रहे हैं हां स्यू कर सकती है क्योंकि एक unmarried woman के साथ उसका अफेयर चल रहा है सेकेंड नो सिंस द लॉ प्रोवाइड्स दैट ओनली अ हस्बैंड कैन कंप्लेन अगेंस्ट एडल्ट्री एंड नॉट वाइफ कह रहे हैं नहीं आ, वो फाइल नहीं कर सकती केस क्योंकि एक हस्बैंड ही सिर्फ और सिर्फ एडल्ट्री का केस फाइल कर सकता है नॉट अ वीमेन

हस्बैंड का सेक्सुअल रिलेशनशिप था किसी और वीमेन के साथ और वो रीटा के नॉलेज में नहीं था बिना उसकी कंसेंट के था तो वो कर सकती है एडल्ट्री का केस फाइल वेरी इजी अगेन फाइव सेकेंड्स एंड यू हैव टू टेल मी द राइट आंसर वेरी सिंपल पैसेज में ही बोला है कि सिर्फ और सिर्फ ये एक जेंडर ओरिएंटेड प्रोविजन है यानी कि सिर्फ एक हस्बैंड ही दूसरे मैन के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है कोई और फाइल नहीं कर सकता यानी कि एक वाइफ अपने हस्बैंड के खिलाफ अगर उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है या फिर वाइफ वो अनमैरिड विमेन के खिलाफ भी केस नहीं कर सकती सिर्फ एक हस्बैंड ही फाइल कर सकता है दैट इज वाई ऑप्शन बी इज करेक्ट वो केस फाइल नहीं कर सकती अपने हस्बैंड के खिलाफ क्योंकि सिर्फ एक हस्बैंड उस मैन के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है जिसके साथ उसकी वाइफ का सेक्सुअल रिलेशनशिप चल रहा था इज़ व्हाई ऑप्शन बी इज करेक्ट राइट मूविंग फर्दर टू द फोर्थ क्वेश्चन कीपिंग इन माइंड द इंसिडेंट ऑफ द पैसेज एंड ऑल्सो सपोजिंग द अब इंसिडेंट इन द क्वेश्चन टू बी ट्रू कैन फाइल फॉर डाइवोर्स अब वो ये बोल रहे हैं कि जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में सिचुएशन में पढ़ा कि राजू का भी अफेयर चल रहा है एक अनमैरिड वुमेन के साथ राइट right. और रीटा का तो है ही कांस्टेंट सौरव के साथ तो अब ये पूछ रहे हैं कि इन दोनों में से डाइवोर्स के लिए फाइल कौन कर सकता है फर्स्ट ऑप्शन रीटा एज हैं कि सिर्फ रीटा फाइल कर सकती है क्योंकि उसको उसको मिला मिला है अपने husband से, उसको मिला है। अपने से, धोखा सेकंड ओनली राजू एज हैज बिन बिट्रेड बाय द रीटा एंड रीटा इन सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अनदर वुमेन ये एलिमिनेट रीटा वुमेन के साथ थोड़ी थी रीटा तो वाज विद सौरभ ठीक है तो ये ऑप्शन वैसे एलिमिनेट हो गया बोथ रीटा एंड राजू एज दे हैव बीन बिट्रेड बाय सौरभ वो कह रहे हैं कि रीटा और राजू दोनों फाइल कर सकते हैं क्योंकि सौरभ से उनको बिट्रेल मिला है ये भी एलिमिनेट हो गया बिट्रे तो उन दोनों ने एक दूसरे को किया है ना तो हाउ कैन दे ब्लेम सौरभ राइट फोर्थ ऑप्शन बोथ रीटा एंड राजू एज दे हैव अ वैलिड ग्राउंड फॉर डायवोर्स एज पर द मैरिज लॉज एक्ट वो कह रहे हैं कि दोनों फाइल कर सकते हैं डाइवोर्स के लिए क्योंकि दोनों के पास डाइवोर्स का ग्राउंड है अंडर द मैरिज लॉज सो यू हैव टू चूज बिटवीन ए एंड एंड डी यू टेल मी द राइट आंसर विद इन नेक्स्ट थ्री सेकंड्स आई थिंक दैट यू हैव डन दिस क्वेश्चन रॉन्ग बिकॉज आप लोग सोच रहे हो कि सिर्फ रीटा फाइल कर सकती है डाइवोर्स रीटा फाइल नहीं कर सकती डाइवोस दोनों फाइल कर सकते हैं क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को बिट्रे किया है सॉरी यस yes. दोनों ने एक दूसरे को बिट्रे किया है राजू वॉज ऑल्सो हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद एन अनमेरिड वुमेन एंड रीटा वॉज ऑल्सो हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विथ सौरभ सो दीज बोथ कैन टेक

इन विच ऑफ द फॉलोइंग सरकमस्टांसेस कैन द अफेयर बिटवीन सौरभ एंड रीटा कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एडल्ट्री वो क्या बोल रहे हैं ऐसा कौन सा सरकमस्टांसेस होगा इन चारों में से जिसमें सौरभ और रीटा के बीच में जो थिंग थी वो एक एडल्ट्री का फॉर्म ना ले वो एडल्ट्री ना मानी जाए फर्स्ट दे हैड द सेक्शुअल इंटरकोर्स ओनली वंस बट हैव कट ऑफ रिलेशनशिप रिलेशन सिंस देन क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ एक बार सेक्शुअल इंटरकोर्स हुआ था और उसके बाद उन्होंने एक दूसरे से रिलेशन खत्म कर दिए थे यानी कि रीटा और सौरभ एक दूसरे से मिलते नहीं थे बात नहीं करते थे उन्होंने कट ऑफ कर दिया था सिर्फ एक बार उनके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ था सेकेंड दे यूज टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स ओनली वेन वेंट आउट ऑफ टाउन वो कह रहे हैं कि जब राजू सिर्फ शहर से बाहर जाता था तब उनकी सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप चलती थी एलिमिनेटेड

वेरी इजी आई गेस येस ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर बिकॉज अगर एक बार भी सेक्शुअल इंटरकोर्स हुआ है तो वो एडल्ट्री बन जाता है और ये क्लियरली हमें पैसेज में दिया गया है कि ईवन अ सिंगल एक्ट ऑफ सेक्शुअल इंटरकोर्स इवन अ सिंगल एक्ट ऑफ सेक्शुअल रिलेशनशिप अदर देन दसबेंड विद द मैन द वाइफ इज एंड द मैन इज चार्ज फॉर एडल्ट्री राइट सो That is why this option A is also eliminated, and option C is correct. Right? I hope you understood this passage and. स्टूडेंट्स जो अभी भी ये सोच रहे हैं कि उनको क्लैट की प्रिपरेशन कैसे करनी है एंड दे आर इन अ डेली की वेयर टू स्टार्ट हाउ टू स्टार्ट बिकॉज इट्स जस्ट लेस देन वन ट्वेंटी डेज लेफ्ट फॉर योर क्लाट प्रिपरेशन एंड योर क्लाट एग्जाम तो उनके लिए मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी दैट आई कॉन्टा हैज लॉन्च इट्स फास्ट ट्रैक बैच एंड यू कैन ज्वाइन अस जिसमें आपको एक्सटेंसिव क्लासेज मिलेंगी एंड यू विल गेट ऑल द रिसोर्सेज बाय विच यू कैन एस योर क्लाट एग्जाम थैंक यू सो मच एंड हेर एम साइनिंग ऑफ एंड आई मीड यू In the next passage. Thank you.